जेम्स गन मार्वल से डीसी की तरफ जंप कर चुके हैं, पर मार्वल में उनका लास्ट प्रोजेक्ट जीओटीजी वॉल्यूम 3 है, जिसका सरप्राइजिंगली मार्वल ने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जो कि गार्डियंस की ट्रायलॉजी को एंड करेगा और एक सैड एंडिंग के साथ ही जेम्स गन भी मार्वल को टाटा बाय बाय बोल देगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग में स्टार लॉर्ड का डायलॉग सुनने को मिलता है, चाहे जो कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड को गार्डियंस की ज़रूरत है। ये लोग न्यू प्लेनेट पर जाते हैं, जो कि काउंटर अर्थ है, जहाँ के लोग काफ़ी अजीब लग रहे हैं। यहाँ पर इंसान की बॉडी पर एनिमल का हेड देखने को मिल रहा है और यह प्लेस बिल्कुल ही वेस्ट व्यू जैसी लग रही है। यहाँ भी सब कुछ अजीब है, बिल्कुल वोंडा की रियलिटी की तरह। यहाँ के खरगोश की तरह दिखने वाले लोग सूट बूट पहनकर ऑफिस जा रहे हैं और इस रियलिटी की वोंडा हाई रिवोल्यूशनरी है। और देख सकते हैं कि रंग बिरंगी गार्डियंस ने अपने लिए एक सर्टिफाइड यूनिफॉर्म चूज कर लिया है। और यहाँ पर क्रोगलिन, कोस्मो, द स्पेस डॉग, रॉकेट और गमोरा नहीं है। इसमें से मोरा वह तो अपने असासियन वाले काम पर लग चुकी है और क्रोगलिन, कोस्मो द स्पेस डॉग और रॉकेट ये तीनों किसी अलग प्लेनेट पर गए हुए हैं। यहाँ पर एक बच्ची बॉल को किक कर गार्डियंस की तरफ फेंकती है, जिसमें ड्रेक्स अपनी हरकतों से ऊपर उस बॉल को किक करके बच्ची के सर पे दे मारता है। और इसके बाद यहाँ के लोग गार्डियंस पर पथराव शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल पथराव ही लग रहा है। गार्डियंस को वापस जाने के लिए कह रहे हो या फिर यही इन एलियंस के बात करने का तरीका हो। और इस ट्रेलर में गमोरा भी देखने को मिली है, इसके सीन्स काफी कम है ट्रेलर में। कुछ सीन्स हैं जिसमें वह एक सीन में तो वह फोटो लेकर खड़ी है, जो कि अब भी एक असासियन का काम कर रही है, मतलब वही भाड़े के टट्टू वाला। इस फोटो में कौन है पता नहीं, पर शक जाता है जीओटीजी का ही कोई मेंबर होगा। मुझे डाउट है कि इसमें रॉकेट की फोटो होगी। यहाँ पर मेरी थ्योरी निकल कर आती है, हाई रिवोल्यूशनरी ही होगा जिसने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा है, उसने कई लोगों को एनिमल में बदल दिया है, या एनिमल्स को थोड़ा ह्यूमन में, या फिर ह्यूमन और एनिमल की हाइब्रिड को मिक्स करके एक नई स्पीसीज बनाई हो। इसी ने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किया था और रॉकेट इसकी केज से भाग निकला है। और अब रॉकेट हाई रिवोल्यूशनरी की थोड़ी नजरों में आया है, तो उसने गमोरा को हायर किया है रॉकेट को ढूंढने के लिए। और दूसरे ही सीन में गमोरा जीओटीजी के साथ है। इसमें मेंटिस और गमोरा ड्रेक्स को अपने साथ ले जा रही है। ड्रेक्स की चेस्ट पर हमें वुंड देखने को मिल सकता है, हालांकि ड्रेक्स को इतनी जल्दी चोट लगती नहीं है, पर यहाँ उसकी हालत थोड़ी सी टाइट है। और यहाँ पर सभी लोग कैदी की यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, या फिर हमने एक सीन देखा है ट्रेलर में जिसमें यह लोग स्पेस सूट पहनकर शिप से जंप कर रहे हैं, शायद उसी के बाद का सीन हो। इसके बाद हमें एडम वॉरलॉक, माइंड स्टोन का असली वारिस, वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट सीन में सोन परी ने इसका टीज किया था। इस बंदे को पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, जिससे कि यह हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी देखने को मिलता। माइंड स्टोन का असली अकदार यह है, विजन तो काफी यूजलेस निकला था, या फिर उसे राइटर्स ने यूजलेस दिखाया था। वेल, वॉरलॉक के फोर हेड पर भी एक जेम देखने को मिल रहा है, जो कि शायद इस सोन परी की बैटरी हो या फिर इन्फिनिटी स्टोन, पता नहीं। ये अपने फर्स्ट लुक और पहले ही सीन में नेब्यूला से फाइट कर रहा है और नेब्यूला के फेस पर पंच किया है इसने, और शायद अपने एक ही पंच से नेब्यूला को नोकआउट कर दिया है। नेब्यूला एक हाई ट्रेंड साइबर रोग है, जिसे खुद गमोरा और थेनोस ने ट्रेन किया है। नेब्यूला कैप्टन अमेरिका बाकी बांस जैसे सुपर सोल्जर को भी हरा सकती है, पर यहाँ एडम उस पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसका फर्स्ट अपीयरेंस है, इसलिए उसे यह मौका दिया जा रहा है। वेल, फिलहाल तो ये विलन की साइड लग रहा है, जिसमें से दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, या तो सोन परी ने गार्डियंस को ढूंढने के लिए इसे भेजा है, या फिर हाई रिवोल्यूशनरी ने सोन परी को मार के इसने वॉरलॉक को अपनी साइड कर लिया है। वो नोस, यह बस मेरी प्रिडिक्शंस है। इसके बाद हाई रिवोल्यूशनरी, जो कि डॉक्टर हार्वेट है, वही हमेशा की तरह एक सुपर जीनियस साइंटिस्ट, जिसे पावर का इतना नशा हो गया कि यह विलन में कन्वर्ट हो गया। इसका मेन फोकस ह्यूमन और एनिमल हाइब्रिड पर होता है, इन दोनों में मॉडिफिकेशन करके एक नई स्पीसीज बनाने का काम करता है। गार्डियंस को हमेशा पावरफुल विलन मिलते हैं, वॉल्यूम 1 में रोनिन, वॉल्यूम 2 में ईगो और वॉल्यूम 3 में हाई रिवोल्यूशनरी। अब यह कितना पावरफुल है यह तो मूवी में देखने को मिलेगा, कॉमिक्स में तो यह गैलेक्टस तक के सामने खड़ा हो चुका है। फिर रॉकेट के सीन्स की बात करें, तो इसके साथ तो कुछ होने वाला है इस मूवी में, जो कि कसम से देखा नहीं जाएगा। रिसेंटली इस क्रिसमस पर नेब्यूला ने रॉकेट को एक गिफ्ट दिया है, जो कि पता नहीं क्यों एमसीयू की मेन टाइमलाइन में तो फिट नहीं बैठ रहा है। वेल, हॉलीडे स्पेशल की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक आई कार्ड में देखने को मिल जाएगा।
रॉकेट का हर डायलॉग डीपली कनेक्ट कर रहा है। क्विल, आई एम डन रनिंग, इस डायलॉग से ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई उसी की हो। मींस हाई रिवोल्यूशनरी ही वो बंदा है जिसने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किया था और शायद रॉकेट की प्रजाति को खत्म करा हो इसने, वो नोस। इस मूवी में रॉकेट की ओरिजिन भी दिखाई जानी है जिसमें इसके जो भी पास्ट के सीन होंगे काफी इमोशनल होने वाले हैं। ट्रेलर के एक शॉट में रॉकेट अपनी सोलमेट लेडी लायला को हक कर रहा है जो कि एक ओटर है, रकुन नहीं, जिसमें कुल का डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि एंडिंग वाली फाइट से पहले की स्पीच होगी, जिसमें कुल कहता है हम हमेशा से भागते आए हैं और रॉकेट कहता है अब मैं और नहीं भागने वाला, जिससे थोड़ी सी संतुष्टि हो रही है कि ये लोग एंडिंग वाली फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और फिर अगले ही शॉट में रॉकेट जमीन पर लेटा हुआ है और कुल फूट फूट कर रो रहा है जो कि शायद रॉकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, डर तो लग रहा है कहीं रॉकेट सच में ना चला जाए। और रॉकेट का लास्ट डायलॉग सुनने को मिलता है वी ऑल फ्लाई अवे टुगेदर वन लास्ट टाइम इनटू फॉरएवर दैट ब्यूटीफुल स्काई, जैसे कि लग रहा है रॉकेट जाने से पहले अपनी कुछ लाइंस बोल रहा है। गार्डियंस अलग हो जाए चलेगा, लेकिन रॉकेट या जीओटीजी के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही होप है। ट्रेलर की लेंथ 2 मिनट से भी कम की है, इसमें क्रोगलिन, स्पेस डॉग कोस्मो और सोन परी का कोई सीन देखने को नहीं मिला है, पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। म्यूजिक काफी इमोशनल चल रहा है और साथ ही काफी इमोशनल डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। ट्रेलर में शॉर्ट्स भी काफी कम है तो ज्यादा प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। ट्रेलर ड्रेक्स की लाइट कॉमेडी से शुरू होता है और नैनो ही सेकेंड में यह सीरियस हो जाता है और सीरियस ही चलने लगता है। ट्रेलर की एंडिंग में ड्रेक्स अपनी लाइट कॉमेडी करता है क्विल के लिए, जो कि मूवी में यह सबसे पहला शॉट होने वाला है। तो इस टीजर ट्रेलर ने ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया है, बस हाँ एक डर बैठा दिया है कहीं जीओटीजी के मेंबर्स के साथ कुछ बुरा ना हो। तो यह था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट जरूर करें।